प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, कबीर साहब जिन्होंने रूहानी रास्ते के बारे में खोल खोल के समझाया है, जो इस धरती पर जब आए तो उनकी यही कोशिश रही कि जो भी इंसान उस समय जीते थे उनका ध्यान परमार्थ की ओर हो। हिंदू भी उन्हें अपना समझते थे, मुसलमान भी उन्हें अपना समझते थे। बहुत कुछ उन्होंने लिखा है जिंदगी के रहस्य के बारे में। ये जिंदगी है क्या, इसे जीना कैसे चाहिए, क्या चीज़ है जो हमें मददगार होती है और किस तरीके से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम जिंदगी के ध्येय को पूरा कर पाए। हम सब चाहते हैं कि इस धरती पर आने का जो मकसद है उसको हम जानें और फिर ज़िंदगी ऐसी जिए ताकि हम इस ज़िंदगी के होने में सफल हों। उसके लिए इंसान सर्च करता है, ढूंढता है, कभी ये चीज़ ढूंढता है, कभी वो चीज़ ढूंढता है, कभी वो चीज़ ढूंढता है, और कोशिश करता है देखने की कि कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए उसको सदा सदा का सुख चैन मिलेगा, ज़िंदगी के मकसद को वो पालेगा। और जब अलग अलग चीज़ें इंसान ढूंढता है तो फिर जो उसे सबसे अच्छी लगती है उसे ही वो अपनाता है। अगर आप कुछ ख़रीदने भी जाओ, अगर कपड़े खरीदो, बहुत सारे देखते हो, उनमें से एक आधा सिलेक्ट करते हो। कार खरीदने जा रहे हो, बहुत सारी कारें देखते हो, एक आधे सिलेक्ट करते हो। और ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए भी हम लोग बहुत सी चीज़ें ट्राई करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद शरीर को तकलीफ़ दे के ही प्रभु मिलेंगे। शरीर में पांच चक्र हैं जहाँ से शरीर उत्पन्न होता है, हम जीते हैं, और फिर जब सांस बंद हो जाती है इंसान की या दिल के धड़कन बंद हो जाती है तो हम कहते हैं ये इंसान चल बसा कि शरीर ने काम करना बंद कर दिया। सबसे नीचे गुदा चक्र है, फिर इंद्रिय चक्र है, फिर नाभि चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर कर्ण चक्र है। ये पांच चक्र हैं जहाँ से इंसान उत्पन्न होता है, फिर ये ज़िंदगी जीता है। जब तक चीज़ें चलती रहती हैं वो जीता है। फिर ये हृदय चक्र, जब हार्ट बीट होनी बंद हो जाती है हम कहते हैं इंसान चला गया, या सांसों का आना बंद होता है तो हम कहते हैं इंसान चला गया। तो बहुत से योगी सिस्टम जो वहाँ पर अपना ध्यान टिकाते हैं, और अलग अलग धर्मों में, अलग अलग दुनिया के कोनों कोनों में आप जाएं या उनका अध्ययन करें तो आपको पता लगेगा कि अलग अलग तरीके इंसानों ने अपनाने की कोशिश की है ताकि वो इस ज़िंदगी के लक्ष्य को पूरा करें। जब महापुरुषों की ज़िंदगी की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने बड़ी सर्च करी। हर एक महापुरुष ने ये भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी देखें तो उन्होंने एक किताब लिखी क्राउन ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का सबसे ऊंचा तरीका क्या है, और उन्होंने बहुत से तरीके जिनके उन्होंने रिसर्च की थी वो उसमें लिखे हुए हैं। इस किस्म का योगा, इस किस्म का तरीका, इस किस्म का तरीका, और फिर वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सुरत शब्द योग, जो सुरत को शब्द के साथ जोड़ता है वही रास्ता सबसे अच्छा और बेहतर है, सबसे अच्छा और आसान है। एक ऐसा रास्ता जिसे बच्चा भी कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है। जब हम तंदुरुस्त हों तो कर ही सकते हैं, लेकिन बीमार हों तब भी कर सकते हैं।
और जो उनकी किताब है क्राउन ऑफ लाइफ, उसमें उन्होंने बड़े प्यार से हर एक तरीका कहाँ तक लेके जा सकता है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब समझाया हुआ है। लेकिन वो इस नतीजे पर पहुँचे कि इतनी सारी चीज़ें चेक करके जो उनको सबसे बेहतर लगी उन्होंने समझाया। तो कबीर साहब भी हमें कुछ ऐसे समझा रहे हैं कि सभी रसायन मैं किया, क्योंकि मैंने सब जगह का रस लिया, यहाँ का भी रस पिया, वहाँ का भी रस पिया, वहाँ का भी रस पिया, ये रास्ता भी देखा, वो रास्ता भी देखा, वो रास्ता भी देखा, बहुत मैंने सर्च की, बहुत दुनिया की चीज़ें ढूंढी के सबे रसायन मैं किया प्रेम समान ना कोई, कि सब चीज़ों को मैंने चेक किया। चेक करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि प्रेम के रास्ते के सवाए कोई उससे बेहतर रास्ता नहीं है, उसके बराबर का रास्ता नहीं है, कि प्रेम समान ना कोई, कि प्रभु को पाना है तो प्रेम का रास्ता अपनाना होगा, प्रभु के प्रेम का अनुभव करना होगा, प्रभु के प्रेम को गले लगाना होगा, प्रभु के प्रेम के रंग में रंग जाना होगा। जो इंसान प्रभु के प्रेम में रंगा गया, कबीर सब समझा रहे हैं, उस जैसा और कोई तरीका है नहीं। कि मैंने तरह तरह के रास्ते अपनाए, तरह तरह के रस पिए, तरह तरह की मस्ती का अनुभव किया, लेकिन जो प्रेम की मस्ती है वही मुझे अपने निज धाम तक पहुँचाने के लायक है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जब हमने पढ़ते हैं तो बार 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 वो हमें यही समझाते हैं कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि खुदा से इश्क किया आदमी से प्यार, कि प्रेम पिता परमेश्वर से करना है, और जब पिता परमेश्वर से प्रेम होगा तो हर एक इंसान से प्रेम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब हमें पिता परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हो गया तो हमें ये अनुभव भी हो जाता है कि हर एक इंसान के अंदर प्रभु बस रहे हैं। अगर हम उन्हें अपना अपने अंदर उनका अनुभव कर पाते हैं तो और भी उनका अनुभव अपने अंदर कर पाएंगे, और फिर हमसे प्रेम औरों की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जिसमें संदर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को के अपना, क्योंकि जब प्रभु का अनुभव हो गया तो ये लगता है कि हर एक को अनुभव हो सकता है प्रभु का, सब अपने ही है, कि गले लगा लो हर इंसान को के अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए। कि जिंदगी जीनी है तो ऐसी हो जिसमें प्रभु के प्रेम को बांटे, जिसमें प्रभु के गुणगान गाए, जिसमें औरों के अंदर भी प्रभु के लिए प्रेम को जागृत करें, ताकि और भी उस प्रेम का स्वाद चखे और भी उस प्रेम के रंग में रंगे जाए। बार 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 महाप्रभु समझाते हैं कि प्रेम के जरिए हम एकता की ओर बढ़ पाते हैं, क्योंकि प्रेम दो से एक कर देता है, दो को एक में जोड़ देता है, एक में मिला देता है। हमारी आत्मा जो प्रभु का अंश है, जो इस समय प्रभु से दूर हो, से परमात्मा में जोड़ देता है, वो चीज जो दो से एक कर दे वही प्रेम है, और वही प्रेम हमें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो कबीर साहब यहां जो सच्चा रास्ता है, जो अच्छा रास्ता है, जो रास्ता हमें अपनाना चाहिए, प्रभु से प्रेम का रास्ता, उस रास्ते की बातचीत कर रहे हैं कि सभे रसायन मैं किया, कि मैंने बहुत कुछ ट्राई करा, तरह तरह के तरीके ट्राई करे, प्रेम समान ना कोई, कि प्रेम जैसा कोई भी रास्ता नहीं है, किसी में उतनी मिठास नहीं जितनी प्रेम में है।
कोई उतना मस्ती नहीं देता जितना प्रेम में है। और हमारे रति एक तन में संचरे कि अगर एक बूंद भी प्रेम की इस शरीर के अंदर हो कि रति एक तन में संचरे सब तन कंचन होए कि सारा तन ये सोने के माफक हो जाए। कि एक भी बूंद प्रेम की अगर हमारे अंदर होगी तो हम धन्य हो जाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी देखते हैं तो हमारी जिंदगी कैसे भरी हुई है, घृणा से, जलसी से, हम सोचते हैं ओहो इसको कैसे मिल गया, मेरे को तो मिला नहीं, मैं तो इसे ज्यादा समझदार हूं, बट ये मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं, इसका बिजनेस क्यों चल रहा है, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं फिर भी मुझे पैसे कम मिलते हैं। इंसान हर समय यही सोचता रहता है कि मेरे साथ कुछ कमी मिल गई है और औरों के साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे इंग्लिश में महारा के ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि दूसरे के घर में लगता है कि घास बड़ी हरी भरी हमारी सूखी हुई है। अब बारिश तो उसके घर में भी उतनी पड़ी है, हमारे घर में भी उतनी पड़ रही है, पर उसकी घास हरी क्यों हो गई, हमारी पीली क्यों हो गई, हमारी सूखी क्यों है। ये इंसान सोचता नहीं कि मैं किस किस्म का हूं, मेरे भाव किस किस्म के हैं, मेरे ख्यालात किस किस्म के हैं, और इंसान दूसरों की ओर देखता देखता ये जिंदगी गुजार देता। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि अगर एक बूंद के रत्ती एक तन में संचय, अगर वो एक ही बूंद तन के अंदर जाई जा रही है, घूम रही है, खाली एक बूंद प्रेम की घूम रही है, तो सब तन कंचन होए, तो मैं धन हो जाऊंगा, मैं तो सोने के माफक हो गया। तो आप सोच सकते हो कि प्रभु के प्रेम में कितनी ताकत है। एक बार जब संत दर्शन सिंह जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर आए, चेक कर रहे हैं, कहते ब्लड ले लो जी और चेक कराओ ब्लड में क्या क्या है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हंसना शुरू हो गए, कहा अगर तुम मेरा खून निकालोगे ना तो उसमें खून नहीं मिलेगा, आपको प्रेम ही मिलेगा खाली, इतना प्रेम उनके अंदर था, वो प्रभु के प्रेम से भरपूर थे। और इसीलिए चाहे हम उनके पास 3 बजे सुबह जाते थे, चाहे 4 बजे जाते थे, दोपहर को 2 बजे जाते थे, वो हर समय हमारी तकलीफ दूर करने के लिए हमारे लिए तैयार रहते थे। इसीलिए आज अगर आप किसी से पूछो जो संत दर्शन सिंह जी महाराज को जानता था, तो हर एक इंसान कहता है कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, कि उनके अंदर प्रभु का प्रेम इतना ज्यादा था कि हम सब उनके प्रेम में खिंचे जाले आते थे। उसी प्रेम के रास्ते को जो अपनाता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच सकता है। ये यहां में कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं अगर उसकी एक बूंद भी हमारे अंदर घूम रही होगी ना तो भी हम हरे भरे हो जाएंगे, तब भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, और अगर कई बूंदे होंगे तो वाह वाह फिर और क्या चाहिए, तो चीजें और भी अच्छी हैं। तो जितना प्रभु के प्रेम से इंसान भरपूर होगा वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तो जो आगे के दोहे हैं उनमें अलग अलग एग्जाम्पल लिए गए हैं और समझाया गया कि ये रास्ता कैसे, और जो दुनिया के चीज़ें जिनसे हम वाकफ हैं उनके एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया है कि जो ये प्रभु का प्रेम है ये जिंदगी में एक्सपीरियंस कैसे करें। ये तो सबने कह दिया प्रभु से प्रेम करो, प्रभु से प्रेम करो, ना तो वो दिखते हैं, हमें पता नहीं कहाँ पे जाके उनको मिलें, उनको गले लगाएं तो कैसे लगाएं, उनसे प्रेम कैसे करें, ये हमारी समझ में नहीं आता। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि कैसे प्रेम करना है पिता परमेश्वर से। एग्जाम्पल ले रहे हैं शरीर का और इन आंखों का, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आंखों से हमें कोई चीज़ खूबसूरत दिखाई देती है, और जो चीज़ जिसको भाती है, जिसको खूबसूरत लगती है, वो उसी तरफ अट्रैक्ट होता है, और फिर तभी प्रेम उस तरफ जागृत होना शुरू होता है।
तो आंखों का एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग लिया कबीर साहब ने, फरमा रहे हैं कि नैनो को कर कोठरी, कि जो आंखें हैं ना इनकी कोठरी बनाओ और पुतली पलंग बिछाए। ये जो अंदर ये पुतली है आईबॉल के अंदर, वो जो लाइट सी है उसको पुतली बोलते हैं, कि उसके पलंग बिछाए, वो आपके अंदर में जागृत है, रोशनी जागृत है, उसी पुतली के जरिए सब कुछ दिखता है, अगर वो नहीं होगी तो कुछ दिखेगा नहीं। तो समझा रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये नैनो को कर कोठरी और पुतली पलंग बिछाए और पलकों की चित डार के। अब घर में क्या होता है, जब आपकी बैल्कनी से कुछ हवा में चिक डाल देते हो ना आगे, ये बंद कर देते हो उसको, तो कह रहे हैं कि ये पलकों से आंखों को बंद कर लो। वो पिया को लिया रिझाए, वो कह रहे हैं अगर पिता परमेश्वर को रिझाना है, पिता परमेश्वर को प्यार करना है, उनसे प्रेम करना है, उनकी नज़दीकी पानी है, उनकी खुशियां पानी हैं, तो करना क्या है, इन आँखों को प्यार से बंद करना, ध्यान दुनिया से हटाना है। तो सूर्यषभ योग का रास्ता क्या है, कि शरीर को शांत करें। अब जब आप सोने के टाइम पे जाते हो रात को, तो शांति से सोते हो, उस समय तो कोई हलचल नहीं हो रही होती। ऐसे ही जब अभ्यास के लिए बैठना है इंसान ने, तो शांत अवस्था में बैठना, शोरगुल ना हो, एटमॉस्फेयर बदले ना, कुछ आप खाओ पियोगे नहीं। तो जो इंद्रियां हैं सुनने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श की, वो सब अंदर की ओर खिंच जाती हैं, और आंखें बंद करो तो देखने की इंद्री भी खिंच गई अंदर को। तो पांचों इंद्रियां अंदर की ओर करनी है, ये यहाँ पर हमें कबीर साहब समझा रहे हैं आंखों के एग्जाम्पल के जरिए, कि शरीर शांत होगा और जब उसके बाद मन को शांत करेंगे, अगर प्रभु से प्रेम करना तो याद प्रभु की आएगी ना, और किसी चीज की तो याद उस वक्त होगी नहीं। तो सिमरन क्या है, प्रभु को याद करना, प्रभु के नाम का जाप करना, कि शरीर शांत हो, मन प्रभु की ओर लगा हो, तो फिर हम अंदर की दुनिया में प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जिसका शरीर शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, वो अंदर की दुनिया में बढ़ नहीं पाएगा। तो ये एग्जाम्पल लेके आंखों का, क्योंकि हम सब आंखों को देखते हैं, जानते हैं, और आंखों में जो ये पुतलियां हैं जिनके जरिए इंसान देखता है, कि अंदर की दुनिया में हम इन आंखों से नहीं देखते, इनको बंद करते हैं ताकि बाहर की चीजें हमें डिस्टर्ब ना करें, हमने इस आंख से देखना है, जैसे शिव नेत्र कहा गया, दसवां द्वार कहा गया है, और अंदरूनी कानों से सुनना है। तो अंदर में जो प्रभु की ज्योति और श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उसका हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और तरीका क्या है, वो कबीर साहब यहां समझा रहे हैं, शरीर को शांत करके मन को प्रभु की ओर लगाकर हमने अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, और फिर हम उनके प्यार का अनुभव करेंगे, क्योंकि अंदर का रास्ता प्रेम का रास्ता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नजर नजर के। जब वो शरीर से ऊपर उठे कि खाक से ताबा क्या कशा, हमने तो जब किया सफर, कि जब शरीर से ऊपर उठे, अंदर की दुनिया में गए, अंदर के चिदाकाश में गए, पिता परमेश्वर की ओर बढ़े, तो इश्क मिला कदम कर, हर एक स्टेप में प्रभु के प्रेम का अनुभव किया, कि प्रभु का प्रेम ही जो मैं अंदर की ओर खींच के लेके जाता है, और हर एक नजारा और खूबसूरत देखने को मिला। कि इस जर्नी ऑफ लव, इस जर्नी ऑफ लाइट, के अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया, अंदर की दुनिया रोशन दुनिया है, जागृत दुनिया है, इनलाइटनमेंट की दुनिया है, जो अंधेरे को दूर करती है। एक वाक्य एक गुफा का है, एक गुफा जमीन के अंदर थी, और जमीन के अंदर गुफा थी तो जिंदगी भर अंधेरे में जीती थी। जमीन के तो अंदर जाओगे अंधेरे अंधेरा होगा, तो अंधेरे में जीती थी, सब कुछ उसके लिए अंधेरा अंधेरा था। एक दिन करती 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 जमीन से बाहर निकल आई, बाहर निकल आई तो उसको तो रोशनी दिखाई दी,
उन्हें देखा ये रोशनी कहाँ से देखा, सूर्य की रोशनी है। उन्हें सूर्य से दोस्ती करनी शुरू करी, क्योंकि रोशनी में तो उसको चीजें भी दिख रही हैं और कुछ भी दिख रहा है, उसको तो बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। तो सारा दिन वो सूर्य के साथ रही, उसको बड़ा मजा आया गुफा को। जिंदगी भर कुछ देखा नहीं हुआ था उसने, अंधेरी की जिंदगी थी और यहाँ रोशनी रोशनी सब कुछ दिख रहा था, बड़ी खुश बड़ी खुश। फिर सूर्य ढलना शुरू हुआ, अब उसको घर वापस जाना था। तुमने सूर्य को कहा मेरे को तो बड़ा मजा आया आपके साथ आकर, आप भी मुझे कभी मिलने आओ मेरे घर में। तो सूर्य ने कहा तुम्हारे घर में क्या है? उन्होंने कहा अंधेरा है। तो सूर्य ने कहा अंधेरा क्या होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं आप आना मैं बताऊंगी, पर मेरे को बड़े तरीके आते हैं वहां पर ना, चीजें होती हैं तो हमको समझ में आ गई, यहां से टक्कर नहीं मार रही, यहां पत्थर पड़ा है, यहां पर खाई आ गई, तो मेरे को सारा रास्ता पता है, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं तो नीचे ही रहती हूँ जमीन के, मेरे को सब कुछ पता है कि कहाँ से बचना है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे जाना है। तो आपको बहुत आराम रहेगा कि एक दिन मेरे घर में आना। तो थोड़े दिनों बाद सूर्य ने कहा चलो मैं इसको गुफा को मिल के आता हूँ, बड़ी प्यार वाली गुफा थी। तो वो सूर्य धरती के अंदर गया, पता करा गुफा कहाँ है, और गुफा तक पहुँचा तो कहा कि मुझे दिखाओ अंधेरा। तो जहाँ जहाँ देखें वहाँ रोशनी रोशनी, कहीं अंधेरा था ही नहीं। तो ऐसे ही जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं तो कोई अंधेरा रहता नहीं, ये बाहर की दुनिया में जब ध्यान रहता है तो दुख दर्द इंसान की जिंदगी में है। जो इनसे ऊपर उठ जाता है, जो अंदर की दुनिया में पहुंच जाता है, वहां रोशनी रोशनी है, जागृति जागृति है, खुशियां खुशियां हैं और आनंद ही आनंद है। गुफा भी हैरान होगी कि अंधेरा कहां पे गया। जैसे ही सूर्य आया सब अंधेरा दूर हो गया। आप में से जो अगर हवाई जहाज में अगर कभी फ्लाई करो तो बहुत सी बारी आसमान में बादल होते हैं, तो जिस दिन बादल होंगे आप फ्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन हवाई जहाज जब उन बादलों को पार करके दूसरी तरफ जाता है तो सूर्य वहां जरूर होता है, उसको दिखता है सूर्य। यही हालत हमारी, हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, हमें सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि हम माया की दुनिया में जी रहे हैं। यही दुनिया सोचते हैं असली है, यही दुनिया सोचते हैं सब कुछ है, सारा ध्यान यहां लगाते हैं, एक हम स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं। जब ये स्वप्न से उठेंगे तो असलियत क्या है हमारे सामने तब खुलेगी, तब लगेगा ओहो ये तो स्वप्न है। नहीं तो जब इंसान स्वप्न देख रहा होता है तो उसको लगता है रियलिटी है, जब उससे उठता है तभी उसको पता लगता है कि वो स्वप्न था। तो महापुरुष समझा रहे हैं कि हमें एक जागृत जिंदगी जीनी है, और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कबीर साहब ने वो उस तरीके को समझाया है कि कैसे उस जागृत दुनिया में हम जा सकते हैं। उसे अभ्यास करना कहिए, उसे मेडिटेशन कहिए, उसे भजन सिमरन कहें, अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में हैं। शरीर को शांत करके मन को शांत करके प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, अंदर की दुनिया में बढ़ें। आगे कबीर साहब फरमा रहे हैं कि पिया का मार्ग कठिन है, कि प्रभु से प्रेम करना कोई आसान काम नहीं है। जब आप प्रभु से प्रेम करते हो ना तो आपके सब दोस्त में कहते पागल हो गया तू, तेरे को क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने कभी किया नहीं। वो सोचते हैं कि दुनिया के रंग में जो रंगा जाता है वही इंसान अच्छा है, पिता परमेश्वर को किसने देखा नहीं किस रास्ते पर तुम चल रहे हो। तो आसपास के लोग ही सबसे ज्यादा तंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर कबीर साहब समझा रहे हैं कि पिया का मार्ग कठिन है, खांडा हो जैसा, ये खांडा हो खंजर हो तलवार हो उसका मार्ग हो तो उस पर चलना कोई आसान है, तलवार के ऊपर चलना कोई आसान काम है, बड़ा मुश्किल है। और पिता परमेश्वर को पाना भी कोई आसान काम नहीं, क्योंकि रास्ते रास्ते पर मन ने रुकावटें डाली हुई हैं। मन जो नहीं चाहता कि हम पिता परमेश्वर को जाने, मन जो नहीं चाहता कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, मन जो चाहता हम 84 लाख जिया जून में अटके रहे हैं, तो मन नहीं चाहता कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा लें, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन फिर कम हो जाती है।
तो उसकी कोशिश होती है कि हम 84 लाख जीवन जून में अटके रहे हैं। तो जो इंसान प्रभु के प्रेम के रंग में रंगा जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, वो 84 लाख जीवन जून से छुटकारा पा लेगा। तो इसलिए मन तरह तरह की रुकावटें डालता है। इसीलिए यहाँ कह पिया का मार्ग कठिन है, कि पिता परमेश्वर को पाने का मार्ग मुश्किल है, क्योंकि मन और कार रुकावटें डाल रहे हैं। और बताया खांडा हो जैसा, फिर समझा रहे हैं कि रास्ते पर चलना कैसे है, कि नाचन निकसी बापुरी फिर घूंघट कैसा। तो फरमा रहे हैं कि अगर हम नाचने के लिए आए हैं, अगर हम पिता परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आए हैं और हमारे पास कुछ है नहीं, तो अगर हम घूंघट करेंगे तो फिर हम कैसे सही तरीके से उनको जानेंगे। समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो इंसान को पूरे तरीके से आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि पार्ट टाइम आ रहा है, कि जब मुश्किल पड़ी तो प्रभु को याद किया, जब एग्जाम आ गए हाँ जी हमको महाराज जी पास करा देना, जब बिजनेस नहीं चल रहा तो ओहो मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, जब दादी चाची नानी बीमार हो गई तो एक्सरे लेके आ गए। वो पार्ट टाइम प्रभु को याद करना है। कि पिता परमेश्वर को अगर पाना है तो पूरे जोर शोर से आना चाहिए। एक गुरुजी थे, उनके थोड़े से शिष्य थे, 8-10 शिष्य उनके साथ बैठे हुए थे। तो उन्होंने शिष्यों को सवाल किया और कहा कि एक कटोरी में अगर मधु शहद हनी पड़ा हो और आप एक मक्खी हो जो कि उस कटोरे के जो बॉर्डर है कोने पर बैठे हुए हो, तब उस शहद को कैसे खाओगे। तो डिसाइपल ने भक्तों ने सोचा और कहा कि हम ना यूं डुबकी मार के ऐसे ही खा लेंगे, जरा से चोंच मार के खा लिया ताकि हम उसमें अड़ ना जाए, हमारे पंख उसमें फंस ना जाए। तो गुरुजी हंसना शुरू हो गए, उनका कि अगर शहद का तुमने मजा लेना है तो उसमें डुबकी लगानी चाहिए, और जब डुबकी लगा दोगे तो तुम्हें मजा खुद ब खुद आएगा। जैसे पतंगा कभी भी फिक्र नहीं करता कि शमा के अंदर जा रहा है तो क्या होगा, उसको उसको शमा दिखती है, उसको रोशनी दिखती है, रोशनी उसको बहुत अच्छी लगती है, उसको रोशनी से लगाव है, उससे रोशनी से प्रेम है। तो पतंगा भागा 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 रोशनी में जाता है और उसमें जाकर एकमेक हो जाता है। वो फिक्र नहीं करता कि उसका शरीर को क्या होगा, उसको क्या होगा। और ऐसे ही जब प्रभु को पाना है तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि हमें उनको अपने पूरे दिल से मन से जान से उन्हें पाने के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। जब प्रभु को पाने के लिए कदम हम बेपरवाही से बढ़ाएंगे तभी हम वहां तक पहुंचेंगे। अगर इसकी परवाह करते रहे, उसकी परवाह करते रहे, ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फिर प्रभु से प्रेम नहीं किया जा सकता। अगर प्रभु से प्रेम करना है तो निडर होके करना चाहिए। पिता परमेश्वर मिल गए तो और क्या चाहिए, उनसे बड़ा तो कोई भी नहीं, ना किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, ना कोई ग्रेट फिलोसोफर, और ना ही कोई बहुत बड़ा कवि या कोई और स्कल्पचर या कोई बिग और भी किसी भी ओहदे पे कोई हो सबसे बड़ा अमीर आदमी। पिता परमेश्वर को जिसने पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, बाकी सब चीजें बेकार हैं। ये बार 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 महाप्रभु हमें समझाते हैं। और पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनसे प्रेम करने का रास्ता यहाँ हमें कबीर साहब समझा रहे हैं। यही हमें कबीर साहब समझा रहे हैं कि अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो उनके प्रेम का हमें अनुभव करना चाहिए। उनका प्रेम हमारे भीतर है, कहीं दूर नहीं, हम सबके अंदर है। और जब महापुरुषों की दया मेर हम पर होती है तो ये जो दिव्य चक्षु है, शिव नेत्र है, 10वां द्वार है, इसे वो अपनी तवज्जो से खोल देते हैं। नामदान के दिन क्या होता है कि वो अपनी तवज्जो देते हैं ताकि ये शिव नेत्र खुले, हम अंदर की दुनिया में बढ़ने के लायक हों और प्रभु के प्रेम का अनुभव कर पाए। प्रभु का प्रेम हमें अंदर की दुनिया में मिलता है, बाहर की दुनिया में तो बाहर के लगाव हैं सारे, जो हमें अपनी मंजिल तक कभी पहुंचा नहीं सकते। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है, अंदर की दुनिया का अनुभव करना है और
कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जितने भी रास्ते उन्होंने जाने उनमें प्रेम समाना कोई सबे रसायन मैं क्यों करें, मैंने बहुत से जो भी अलग अलग तरीके हैं सब मैंने सर्च किए, लेकिन प्रेम समाना कोई जो प्रभु से प्रेम का रास्ता उस रास्ता है जैसा कोई रास्ता नहीं। हम सब प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि हम सब प्रभु की संतान है, एक पिता एक इसके अंबार, एक ही पिता परमेश्वर है, उन्होंने चर्ची हम सबको उनके संतान है। हो सकता है कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, कोई एक कल्चर में रहता हो, कोई दूसरी कल्चर में रहता हो, कोई एक भाषा बोलता हो, कोई दूसरी भाषा बोलता हो, बट रियलिटी में हम सब एक हैं और उस एकता का हमें अनुभव करना है। पिता परमेश्वर से हम सब मिल सकते हैं, हमसे दूर नहीं, हमारे भीतर हैं, हमने कदम उनकी ओर बढ़ाने हैं और जिन्होंने कदम उनकी ओर बढ़ाए और प्रभु के प्रेम को पाया वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, यही कबीर साहब हमें समझा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं, आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, जो भाई बहन नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मनी मन करना है, ऊँचा नहीं दोहराना, जो कुछ आपके सामने दिखता है बड़े ध्यान से देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।